हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैन में रनर कैसे डालते वो बताती हूँ। बहुत डिमांड आती है कि हमारे कुशन कवर्स के रनर ख़राब हो जाते हैं, हमें टेलर के पास लेके जाना पड़ता है और वो कभी कभार बना के देते हैं या फिर बहुत बार बना के भी नहीं देते, तो हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो बैग भी बना सकते हैं। अगर आपको कुछ दिल से बैग बनाना है तो सबसे पहले आपको रनर चेन में कैसे डालें वो सीखना पड़ेगा। तो ये है हमारी चेन और ये है हमारा रनर। तो ये चेन का साइज़ अलग अलग होता है, जैसे कि ये जो मेरे पास सा चेन है वो 5 नंबर की चेन है और सेम ही आपको शॉप से 5 नंबर का ही। तो ये चेन है 5 नंबर का और मेरे पास सेम साइज़ का हमें रनर लेना पड़ेगा। आप कौन सा भी रनर ले सकते हो, इसमें आपको प्लास्टिक में भी मिल जाएंगे, स्टील में भी मिल जाएंगे, पर ये रनर अगर लेना है तो आपको मैं रेकमेंड करूँगी आप प्लास्टिक ना लेते हुए ये लीजिए। तो हमें सेम साइज़ का चेन और सेम साइज़ की रनर लेनी होगी। आज हम सीखेंगे कैसे हम इस चेन में रनर डालते हैं, ताकि आपको आसानी होगी अगर कुछ हमारे अगर पिलो कवर का पीछे का चेन अगर निकल जाता है या फिर ड्रेस का चेन निकल जाता है या फिर आपको एक हाथ बैग बनानी है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल यूज़ के लिए हम अगर रनर सीखेंगे चेन में डालना है तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए तो फिर हम सीखते हैं कि हम पहले चेन को कैसे पकड़ते हैं और हम रनर कैसे डालें। चेन को सीधा पकड़िए, यह हमारी सीधी साइड है, इस जगह से हमें रनर डालना है। और ये रही हमारी उल्टी जगह, ये उल्टी साइड से हमें रनर नहीं डालना है, सीधे साइड से ही ऊपर से नीचे हमें रनर डालना है। इस चेन को हमें थोड़ा सा खोल लेना है, लेफ्ट एंड राइट साइड अलग अलग हो जाएंगी, थोड़ा सा ही खोलना है, जैसे कि 1.5 इंच, 1 या 1.5 इंच। और बाद में हमें राइट साइड का 1/2 इंच का टुकड़ा कट कर लेना है, जैसे कि चेन की दोनों जो भी बाजुएं हैं ऊपर नीचे हो जाएंगे, इससे आसानी से आप रनर डाल सकते हो। तो ये रनर लेना है, जैसे कि ये रनर आपको दिख रहा है उसकी उल्टी और सीधी उसकी भी बाजू होती है। अब हम इस रनर को लेफ्ट साइड से अंदर डालेंगे, राइट साइड से मतलब छोटे टुकड़े से हमें उसको अंदर नहीं डालना है। अब देखिए ये रनर का गोलाकार हिस्सा है, यहाँ से हमें रनर को अंदर डालना है। जो आपको आड़ी लाइन दिखाई दे रही है जैसे स्लिपिंग लाइन है, वहाँ वो पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ से हमें रनर अंदर चेन में अंदर डालना नहीं है, तो ऐसा ही सीधा हमें डालना है। अब देखिए जो बड़ा बड़ा बाजू है चेन का लेफ्ट साइड का, वहाँ से हमें रनर की एक साइड उसको अंदर डाल देनी है। और हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, थोड़ा सा आगे लेंगे उस रनर को और चेन के जो राइट साइड का हिस्सा है वहाँ तक हमें रनर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड के जो चेन है वो हम उस रनर के राइट साइड के हिस्से में डाल देंगे। दोनों भी चेन का लेंथ और हमारा रनर इक्वल है क्या, हमें एक बार चेक करना है। और देखिए आसानी से रनर अंदर आ गया है। इस तरीके से हम अंदर बंद, एक बार कुछ गैप है या नहीं है रनर चेन रनर ठीक तरीके से अंदर गया कि, एक बार हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने चेन में रनर कैसे डालना है वो मेरी ये हैक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट हैक जल्द ही। बाय बाय, गुड डे।